स्टडी विद सुग्रीव सर। बच्चों के काफ़ी डिमांड के बाद मैं यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सके। और मैं 8वीं से लेकर 12वीं तक का मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें कक्षा 10 और 12वीं के लिए जो एग्ज़ाम जो बोर्ड होते हैं, एग्ज़ाम बोर्ड के लिए काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कहीं पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, सो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आया हूँ, बच्चों की काफ़ी डिमांड के बाद कि सर बनाइए, यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो बनाइए, ताकि बच्चे इस वीडियो को देखकर और लाभान्वित हो सके। सो मैंने आज निर्णय लिया कि आज से मैं वीडियो बनाकर और यूट्यूब पे डालता रहूँगा, ताकि बच्चे अपना पढ़ सके। और मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, तब तक ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन डिमांड ऐसा हुआ कि मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं बनाने को लेकर इच्छुक हो गया वीडियो। सो स्पेशली मैं अभी कक्षा दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर मैं अभी यही दसवीं और बारहवीं के NCERT को मैं सॉल्व करूंगा और फिर आपके सामने यूट्यूब पर प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप उसे देखकर और अच्छे से लाभान्वित हो सके, आप पढ़ सके और आसानी भाषा में, सबसे इजी वे में आप उसको एक्सेप्ट कर सके। जो भी मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ या मैं बताऊँगा, वो इजी वे में रहेगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम देने में काफ़ी सहूलियत देगी और अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। तो टारगेट रखना है यही कि 90+ स्कोर आए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सो मेरा टाइमिंग यही रहेगा कि मैं एटलीस्ट 10 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वीडियो को जब भी दिन में मौका मिले आप उसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसको लाभान्वित हो सके। बस मेरा यही उद्देश्य है। अब इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मैं अगले दिन, ये इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, अगले दिन मैं सिलेबस आपको बताऊंगा कि मैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ाऊँगा, पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर बना के आपको मैं कल शो करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। मैं फिर नेक्स्ट डे आपको मिलूंगा आपसे इसी टाइम पे, तब तक के लिए आपको